नमस्कार दोस्तों, मैं शशिभूषण प्रसाद स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से घर में बैठ के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। इकोनॉमिक्स के इस वीडियो में आज हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे मुद्रास्फीति के बारे में। मुद्रास्फीति जो कि आए दिन आप लोग न्यूज पेपर में अखबारों में पढ़ते होंगे कि मुद्रास्फीति इतने बढ़ गई है, मुद्रास्फीति घट गई है, तो आखिर क्या है ये मुद्रास्फीति और इसके क्या कारण है होने का, ये अर्थव्यवस्था पे हमारे क्या प्रभाव डालता है और हमारे जीवन पे, जनमानस के जीवन पे ये मुद्रास्फीति क्या प्रभाव डालता है, इसको हम आज इस वीडियो में समझेंगे। साथ ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें दोस्तों तो मुद्रास्फीति बहुत ही एक हॉट टॉपिक है और इससे बहुत सारे एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से देखिए और मैं आशा करता हूं कि इसको देखने के बाद मैक्सिमम इक्वेशन आपके एग्जामिनेशन में मुद्रास्फीति से जो भी संबंधित है वो आपको बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं मुद्रास्फीति को। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, क्या बोलते हैं दोस्तों उनको, इन्फ्लेशन। तो क्या होता है ये? तो मुद्रास्फीति का जो शाब्दिक अर्थ है, जो शब्द का शाब्दिक अर्थ है उसको अगर हम एक वर्ड में डिफाइन करना चाहे तो हम इसको महंगाई कह सकते हैं। यानी कि मुद्रास्फीति का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों, सरल भाषा में इसको हम क्या कह सकते हैं, महंगाई कह सकते हैं। अगर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सतत वृद्धि या लगातार वृद्धि हो रही हो तो ये मुद्रास्फीति या महंगाई कहलाती है। यानी कि वस्तु और सेवाओं का मूल्य की बात करें दोस्तों तो लगातार वृद्धि या सतत वृद्धि की, सपोज कीजिए कि आज सरसों तेल का कीमत 60 रुपए किलो है, उसका अगले महीने उसका कीमत 80 रुपए हो जाए, फिर उसके नेक्स्ट महीने उसका कीमत 90 रुपए हो जाए, तो जो लगातार वृद्धि या सतत वृद्धि हो रही है उसी वृद्धि को हम महंगाई कहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर किसी एक वस्तु या दो वस्तुओं में यह वृद्धि हो रही हो तो इसको मुद्रास्फीति नहीं कहते हैं। ये एक मैक्सिमम वस्तु जो उपयोग का बहुत सारा वस्तु होता है, जो रोजमर्रा के जीवन में उपयोग के वस्तुओं को कीमतों में लगातार वृद्धि, बहुत सारा वस्तु में एक साथ वृद्धि हो रही हो तो उसको हम कहते हैं मुद्रास्फीति। एक या दो वस्तुओं के महंगे होने से हम उसको मुद्रास्फीति नहीं कहते हैं। तो यही हमने लिखा कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की कीमतों में सतत वृद्धि या लगातार वृद्धि हो रही हो तो उसे मुद्रास्फीति या महंगाई कहलाती है। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं और इस मुद्रास्फीति के कितने प्रकार हो सकते हैं, तो कारण और कारण पे आधारित प्रकार और दर पे आधारित प्रकार। हमने इसमें ये तरह का एक कॉलम बनाया है जिसमें हम कॉलम में कारण को एक साथ लिखेंगे और इस कारण से जो मुद्रास्फीति होती है तो यानी कि जो प्रकार बनेगी उसको एक साइड यहां लिखें और इसको हम इंटरलिंक करके रखा हुआ है दोस्तों। देखिए कि जो कारण है उसके कारण से जो मुद्रास्फीति का प्रकार बनता है और ये प्रकार अलग है कि दर पे आधारित प्रकार, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला कारण जो है वो है मांग में वृद्धि। अब किसी भी वस्तु के मांग में अगर वृद्धि हो जाए, बाजार में सपोज कीजिए कि कोका कोला का प्रोडक्शन, कोका कोला की जो बोतल आती है उसका 100 बोतल की डिमांड है और बाजार में इसका जो या फैक्ट्री में इसका जो प्रोडक्शन हो रही है वो 90 ही बोतल हो रही है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों कि कोका कोला के जो बोतल है उसके दाम में वृद्धि हो जाएगी। तो जैसे मांग में जैसे ही वृद्धि होगी उस वस्तु या सेवा सब सेवा में अपने आप वृद्धि हो जाएगी, ये अर्थशास्त्र का एक नियम है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है मांग में वृद्धि। दूसरा कारण क्या है दोस्तों कि कीमत में वृद्धि। कीमत में वृद्धि की बात करने का मतलब है दोस्तों कि फैक्टर कॉस्ट में वृद्धि। फैक्टर कॉस्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो लागत होता है वो लागत में अगर वृद्धि हो जाएगा तो वो बाजार में उस वस्तु का वैल्यू भी बढ़ जाएगा और वो वस्तु बाजार में पहले की अपेक्षा महंगा हो जाएगा तो भी महंगाई बढ़ जाएगी। तो दूसरा कारण जो है वो क्या हो सकता है कि कीमत में वृद्धि से भी मुद्रास्फीति हो सकती है। और तीसरा जो कारण है वो संरचना में गड़बड़ी। संरचना में गड़बड़ी कि अगर ट्रांसपोर्ट का या रोड अच्छे नहीं बने हुए हैं और सपोज कीजिए कि अंडा का प्रोडक्शन, जहां अंडा का प्रोडक्शन हो रहा है वहां सपोज कीजिए कि 100 अंडा का प्रोडक्शन हो रहा है और वहां से अगर बाजार तक लाने में वो अंडे सड़क के गड़बड़ी के कारण उसमें जर्किंग अगर सपोज कीजिए ट्रक में ला रहे हैं और ट्रक में ज्यादा जर्किंग हो रहा है और उसके कारण से 100 अंडे में से 20 अंडे टूट गए तो बचे कितने, 80 अंडे। तो जो अंडा का प्रोडक्शन 100 हुआ था वो मार्केट में आते आते 80 बचे, तो यानी कि 100 का जो वैल्यू है वो 80 अंडों से वसूला जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संरचना में गड़बड़ी के कारण
जो महंगाई हुई वो बढ़ गई। तो इस तरह का तीसरा कारण हो सकता है कि संरचना में गड़बड़ी के कारण जो मुद्रास्फीति होती है। ठीक है दोस्तों, अब प्रकार में देखें तो प्रकार को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किस किस आधार पे। तो कारण पर आधारित प्रकार क्या हो सकते हैं और दर पे आधारित प्रकार क्या हो सकते हैं। तो कारण पे आधारित प्रकार की बात करें दोस्तों, तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति पहला जो प्रकार होता है मांग प्रेरित, यानी कि जो मांग में वृद्धि हुआ और मांग में वृद्धि होने के कारण जो मुद्रास्फीति में वृद्धि हो गया उसको बोलते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगर सपोज कीजिए कि बाजार में मांग ज्यादा हो गया तो मांग बढ़ा तो मुद्रास्फीति बढ़ गई, और इस प्रकार के जो मुद्रास्फीति है उसको हम बोलते हैं मांग प्रेरित या डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं, मांग बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं। तो मांग बढ़ने का जो सबसे मुख्य कारण होता है दोस्तों वो अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह। अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह का मतलब है कि आम आदमी के पॉकेट में पैसे का आ जाना। अब आम आदमी के पॉकेट में अगर ज्यादा पैसा होगा तो वो ज्यादा शॉपिंग करेगा, और ज्यादा शॉपिंग करेगा मतलब मांग को बढ़ा देगा वो, और जैसे ही मांग को बढ़ा देगा तो क्या होगा दोस्तों, मुद्रास्फीति अपने आप बढ़ने लगेगी। तो मुद्रा का प्रभाव को बढ़ जाना सबसे मुख्य कारण होता है मांग प्रेरित इन्फ्लेशन का। और जैसे ही मुद्रा का प्रभाव मार्केट में बढ़ गया तो इसका एक और इम्पैक्ट जो हमारे इकोनॉमी पे पड़ता है वो क्या होता है कि हमारा मुद्रा का जो वैल्यू है वो घट जाएगा। अब कैसे घट जाएगा, तो सपोज कीजिए दोस्तों कि 2015 में सरसों तेल का भाव कितना है, 60 रुपए है, और 2021 में बात करें तो ये बढ़ के होगा 180 रुपए पर केजी हो गया। तो जो 2015 में 60 रुपए में 1 किलो सरसों का तेल आता था वही 1 किलो सरसों का तेल 2021 में 180 रुपए के हो गए। तो हम कह सकते हैं कि मुद्रा का वैल्यू क्या हो गया, 2015 से 2021 में वैल्यू घट गया, क्योंकि सपोज कीजिए कि $1 का कीमत 60 रुपया है, अगर $1 का वैल्यू 60 रुपया है तो हमें $3 अब कितने वैल्यू करना खर्च करना होगा, तो हमें 180 रुपए के मतलब $3 हमको खर्च करना पड़ेगा सेम 1 किलो तेल खरीदने के लिए। यानी कि एक्सचेंज रेट पे भी इस मुद्रास्फीति का जो महंगाई का एक्सचेंज रेट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो मांग पे जो आधारित मांग में वृद्धि होने के कारण जो मुद्रास्फीति होती है उसको हम बोलते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति क्यों होती है, तो जैसा कि मैंने इंटरलिंक किया हुआ है कि कीमत यानी कि फैक्टर कॉस्ट में वृद्धि होने के कारण जो इन्फ्लेशन होता है, जो मुद्रास्फीति होती है, जो महंगाई होता है उसको हम बोलते हैं लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। अब सपोज कीजिए किसी वस्तु को लागत को आप कैसे डिसाइड करते हैं, मैन्युफैक्चर जब होता है कोई वस्तु तो उसको लागत का वैल्यू या लागत की कीमत हम जैसे डिफाइन करते हैं उसमें हम क्या क्या जोड़ते हैं, तो सबसे पहले जोड़ते हैं कि मटेरियल का कॉस्ट कितना है। सपोज कीजिए कि हमें मोबाइल बनाना है, ठीक है दोस्तों, तो मोबाइल माइक्रोमैक्स मोबाइल बनाती है लेकिन मोबाइल का पार्ट्स वो चाइना से इंपोर्ट करता है, तो चाइना से अगर उस मटेरियल का या पार्ट्स का स्पेयर पार्ट्स का वैल्यू को अगर बढ़ा देता है तो ऑटोमेटिकली मोबाइल बनाने में जो खर्चा हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जो मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ गया। उसी तरह से अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कि सपोज कीजिए कि जहां पे मोबाइल बन रहा है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी खर्च हो रही होगी, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट का वैल्यू सरकार बढ़ा देती है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो फैक्टर कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। उसी तरह से अगर लेबर कॉस्ट में वृद्धि हो जाए तो भी फैक्टर कॉस्ट बढ़ सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं दोस्तों कि कोई भी वस्तु मार्केट में आने के बाद जो उसका वैल्यू हो जाता है वो मार्केट प्राइस कहलाता है, तो मार्केट प्राइस में ही जो वृद्धि हो जाती है वही मुद्रास्फीति कहलाती है। तो मार्केट प्राइस अगर हम कैलकुलेट करना चाहे तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस जो टैक्स रहता है इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सरकार जो सब्सिडी देती है वो होता है। तो अगर फैक्टर कॉस्ट सपोज कीजिए कि किसी वस्तु का 100 रुपए है और उसमें 20% गवर्नमेंट सपोज कीजिए कि टैक्स ऐड करता है तो 20 रुपए, और अगर वो सब्सिडी 0 देता है तो उस वैल्यू उस वस्तु का मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, 120 रुपए। लेकिन जैसे ही फैक्टर कॉस्ट बढ़ा, फैक्टर कॉस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाए यानी कि बिजली में वृद्धि हो जाए या मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाए, सपोज कीजिए चाइना से मोबाइल का पार्ट लाने में वो मोबाइल का पार्ट महंगा हो गया, या लेबर कॉस्ट बढ़ जाए
तो ये फैक्टर कॉस्ट तीनों बढ़ जाएंगे। अगर फैक्टर कॉस्ट सपोज कीजिए कि 120 हो गए और उसके बाद उस पर अगर आप 20% टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 14 रुपये कुछ 40 पैसे होंगे और सब्सिडी उस पर नहीं मिल रहा है तो टोटल क्या हो जाएगा 134 रुपये 40 पैसे, यानी कि मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा 120 से 134 रुपया हो गया। किस कारण? फैक्टर कॉस्ट में इंक्रीज होने का कारण ये मार्केट कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि महंगाई बढ़ गई 120 से 134 हो गई। तो इस तरह का जो महंगाई बढ़ रहा है फैक्टर कॉस्ट के बढ़ने से, उस तरह के महंगाई को हम कहते हैं लागत प्रेरित मुद्रास्फीति या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तीसरे तरह में आइए तो संरचनात्मक मुद्रास्फीति, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। अब इसमें क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया कि संरचना में गड़बड़ी होने के कारण जो मुद्रास्फीति महंगाई बढ़ी, तो संरचना में गड़बड़ी के कारण कैसे बढ़ सकती है? तो संरचना में गड़बड़ी सपोज कीजिए कि जमाखोरी। अब देखते हैं कि दोस्तों कि प्याज का दाम बढ़ जाता है हर साल, या कभी कभी टमाटर का दाम बढ़ जाता है, या दाल का दाम बढ़ जाता है। तो क्यों बढ़ जाता है? क्या हमारे देश में इतना दाल या प्याज नहीं होता है कि जनता को सप्लाई किया जाए? ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत भरपूर स्टॉक होता है, लेकिन जो जमाखोरी स्टॉक कर लेता है, कालाबाजारी कर लेता है, जिसके कारण कि वो स्टॉक किया रहता है, जो प्याज आया उसको गोडाउन में व्यापारी स्टॉक किया रहता है, जिससे क्या होता है कि मार्केट में प्याज का प्रभाव कम हो जाता है, और प्याज प्रभाव नहीं होने के कारण क्या होता है, धीरे 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 जब पूरा खत्म हो जाता है और आदमी डिमांड उसको करने लग जाता है प्याज का, तब धीरे धीरे वो अपने मन मर्जी के हिसाब से दाम पे बेच करके बाजार में उस प्याज को निकालता है। तो इस कारण से जमाखोरी एक जो है मुख्य कारण है इन्फ्लेशन का। तो हम कह सकते हैं कि जमाखोरी भी एक संरचना का पार्ट है, गवर्नमेंट का संरचना का पार्ट है, तो ये संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहलाती है। उसी तरह भंडारण की सुविधा। अब सपोज कीजिए कि सब्जी खेतों में गोभी या टमाटर का उपजा हुआ, और जब जैसे वो खेतों से मार्केट तक लाने में सपोज कीजिए उसको 2 दिन या 3 दिन लग गया, लेकिन अगर हमारे पास अच्छे भंडारण की सुविधा हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 5 दिन तक कोल्ड स्टोरेज में रख भी सकते हैं। लेकिन अगर कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं है तो सब्जी क्या हो जाएगा, 2 या 3 दिन के बाद वो सड़ने लगेगी, और जो प्रोडक्शन या जो उत्पादन जो उपजाव खेतों में जितना सपोज 10 किलो गोभी का होगा, वो 10 किलो गोभी मार्केट में नहीं पहुंच पाएगी। यानी कि भंडारण की सुविधा भी एक संरचना में गड़बड़ी है, और इसी गड़बड़ी के कारण जो महंगाई वृद्धि होती है वो संरचनात्मक मुद्रास्फीति का एक पार्ट है। उसी तरह असक्षम वितरण मतलब कि हमारे पास वितरण डिस्ट्रीब्यूशन का पर्याप्त साधन नहीं है कि खेतों से जो सब्जी या टमाटर जो भी गोभी उपजा हो रहा है उसको हम मार्केट तक प्रॉपर रूट से प्रॉपर रोड से भेजिए, तो अगर रोड में कुछ गड़बड़ी है, रोड अच्छे नहीं है, तो इस तरह से असक्षम वितरण के कारण भी जो महंगाई बढ़ जाती है वो संरचना का एक पार्ट है। तो इस तरह से हम कारण पर आधारित दोस्तों देखें तो 3 तरह के मुद्रास्फीति होते हैं, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति और संरचनात्मक मुद्रास्फीति स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन। ये हो गया प्रकार में। अगर उसी तरह से दोस्तों हम देखें कि प्रकार को अगर हम दूसरे शब्दों में डिफाइन करें कि हम कहें कि मुद्रास्फीति का रेट पे दर पे बात करें कि इतने परसेंट से मुद्रास्फीति बढ़ गई, तो दर के आधारित बात करें तो दर पे आधारित भी 3 प्रकार से मुख्यतः इन्फ्लेशन होता है। एक होता है अल्प मुद्रास्फीति, लो इन्फ्लेशन या क्रीपिंग इन्फ्लेशन। उसमें क्या होता है दोस्तों, उसका जो रेंज होता है मुद्रास्फीति का बढ़ने का, सपोज कीजिए कि 2 से 3% पहले 6 महीने की बात करें अगर इसमें, तो पहला में फर्स्ट मंथ में 2.3% से बढ़ा, उसके नेक्स्ट में 2.6% से बढ़ गया, थर्ड मंथ में 2.7% से बढ़ा, फोर्थ मंथ में 2.9% से, फिफ्थ मंथ में 3.1% से, और सिक्स मंथ में 3.4% से बढ़ा। यानी कि जो बढ़ने का रेंज है वह 1.1% हर महीने का है, यानी कि एक स्लोली बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्रीपिंग हो रहा है, रेंग रहा है। तो इस तरह का जो मुद्रास्फीति होता है उसको हम कहते हैं अल्प मुद्रास्फीति, यानी कि लो इन्फ्लेशन, ठीक है, उसको क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। उसी में आ जाता है थोड़ा सा और बढ़ जाता है तो वॉकिंग इन्फ्लेशन हो जाता है, और थोड़ा सा बढ़ जाता है तो रनिंग इन्फ्लेशन आ जाता है। तो ये सब अल्प मुद्रास्फीति में ही आते हैं। नेक्स्ट जो होता है दर में, बढ़ने का दर में बात करें तो सरपट मुद्रास्फीति, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो बढ़ने का रेट होता है दोस्तों, ये 2 या 3 अंकीय होता है, 2 अंक या 3 अंक में। इसमें देखिए दोस्तों 1 अंक में 2%, 3% ऐसे बढ़ रहा है,
अंक में बढ़ रहा है, लेकिन इसमें सरपट मुद्रास्फीति में 2 से 3 अंक तक बढ़ने का रेट हो सकता है, सब जैसे कि 20%, 100%, 200% प्रति वर्ष, यानी कि जो मुद्रास्फीति का बढ़ने का रेट है, महंगाई का जो दर है बढ़ने का, वो 2 से 3 अंक के हो सकते हैं। तीसरा जो है वो अति मुद्रास्फीति यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत कम समय में बहुत बड़ा हो जाता है। ये हाइपर इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा हो जाता है, यानी कि अरबों और खरबों में महंगाई बढ़ जाती है, तो इस तरह का मुद्रास्फीति को हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये दर के आधार पर मुद्रास्फीति का प्रकार था दोस्तों। तो यहां तक हम लोग समझ चुके हैं दोस्तों कि मुद्रास्फीति आखिर है क्या, मुद्रास्फीति के क्या कारण है, और कारणों पर आधारित उनके कितने प्रकार होते हैं, और दर पर आधारित इनके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं कि मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है और हमारे जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो मुद्रास्फीति का अगर अर्थव्यवस्था पे प्रभाव की बात करें दोस्तों, तो मुद्रास्फीति के 2 प्रकार के प्रभाव अर्थव्यवस्था पे देखे जा सकते हैं। पहला प्रभाव नकारात्मक टाइप के प्रभाव होते हैं और इसका सकारात्मक प्रभाव भी अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। चलिए हम दोनों को डिस्कस करते हैं, पहले नकारात्मक प्रभाव को देखते हैं। तो नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है, सीधी सी बात है कि अगर किसी भी वस्तु का, रोजमर्रा की वस्तुओं का अगर दाम कीमत में लगातार वृद्धि हो जाए, तो इससे क्या होगा, जो गरीब और शोषित निम्न क्लास के वर्ग होंगे वो और ज्यादा क्या हो जाता है, उससे वंचित हो जाएंगे और ज्यादा शोषित हो जाएंगे। तो यही हमने लिखा कि गरीब और निम्न वर्ग के लोग शोषित और वंचित हो जाते हैं, क्योंकि वो उसके पास उतना पैसा नहीं हो पाता है जिससे कि वो उस सामान को परचेज करे और उसके जीवन में कष्ट शुरू हो जाता है। दूसरा क्या है कि दोस्तों कि विनिमय दर में मुद्रा का मान गिरने लगता है। अब एक्सचेंज रेट में क्या होता है, मुद्रा का मान गिरने लगता है कैसे दोस्तों, कि चूंकि हम लोग जानते हैं, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल में बताया, जैसे सरसों का तेल 2015 में 60 रुपए पर केजी था, 60 रुपए प्रति केजी था 2015 में, और 2021 में अगर हम बात करें दोस्तों तो ये 180 रुपए किलो बिक रहा है। तो अब इसमें हम बात करें कि जो 1 किलो सरसों का तेल 60 रुपए में आता था, वही क्या हो रहा है कि 180 रुपए में मिल रहा है, यानी कि वस्तु 1 ही किलो मुझे मिल रहा है लेकिन मुद्रा क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो यानी कि मुद्रा का वैल्यू में कम हो गया। जब मुद्रा का वैल्यू, अगर सपोज कीजिए कि उस सरसों को तेल को हमको इंपोर्ट करना है, आयात करना है विदेशों से, तो पहले हमें कितने डॉलर लगते थे, सपोज करो दोस्तों कि $1 का कीमत अगर 60 रुपए है एक्सचेंज रेट पे, अगर विनिमय दर पे 60 रुपए हम कहते हैं कि $1 की कीमत 60 रुपए है, तो पहले 2015 में हमें $1 ही यूज करना पड़ता होगा इसको आयात कर, विदेशों से अगर हमें लाना पड़े सरसों का तेल या पेट्रोलियम को लाना पड़े, तो पहले 60 रुपए में $1 में आ जाता था, लेकिन अब हमें कितने डॉलर की जरूरत पड़ेगी, तो $3 की जरूरत पड़ेगी। यानी कि दोस्तों देखिये, तो जो मुद्रा का $3 हो गया, वो क्या दर्शाता है कि हमारे उस सामान के रेस्पेक्ट में, अगर क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार बात करें, तो उस वहां पे हमारा मुद्रा का जो वैल्यू है वो डॉलर के रेस्पेक्ट में गिर गया है। क्योंकि अगर विदेश में $1 में ही आ रहा होगा, उसका कीमत $1 आ रहा होगा, तो यहाँ पे 180 रुपए परचेज करने के लिए, हमें 180 रुपए देने के लिए हमें $3 की जरूरत होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुद्रा का वैल्यू जो है वो गिरने लग जाता है मुद्रास्फीति में। अब इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इंपोर्ट क्या हो जाएगा, आयात हम क्या कह सकते हैं कि महंगा हो गया, कि हम अगर वस्तु को 1 किलो सरसों के तेल को पहले 60 रुपए लेकर के मंगवाते थे, अब हमें 180 रुपए में मंगवाना पड़ेगा, यानी कि $3 दे के मंगवाना पड़ेगा, तो हमारा जो आयात हो गया पहले $1 से बढ़ के $3 हो गया। तो तीसरा पॉइंट हमने ये लिखा कि इंपोर्ट पहले की अपेक्षा महंगा हो जाता है, और जब महंगा हो जाएगा लेकिन हमें कुछ वस्तु को आयात करना मजबूरी है, जैसे कि पेट्रोलियम उत्पादों का, या पेट्रोलियम का कच्चे तेल का उत्पादन में करना जरूरी है क्योंकि इंडिया में इसका प्रोडक्शन नहीं होता है पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम का जब हम इंपोर्ट करेंगे तो वो महंगा मुझे खरीदना पड़ेगा, और महंगा खरीदने से यहाँ पे जनता को भी, उससे जितने भी इंटरलिंक्ड वस्तुएं हैं सब पे उसका दाम बढ़ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, और हम वस्तुओं को इंपोर्ट करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा पे करना होगा, और ये हमारे अर्थव्यवस्था पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यहीं पे अगर सकारात्मक बात करें दोस्तों, तो एक्सपोर्ट में वृद्धि हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर वैल्यू मुद्रा का मान गिर जाता है तो इंपोर्ट
इंपोर्ट तो महंगा हो जाता है, लेकिन एक्सपोर्ट यहाँ से हमें चीजों को बेचा अगर विदेशों में जाए तो उसमें प्रॉफिट ज्यादा होती है, तो इससे क्या होता है कि एक्सपोर्ट में वृद्धि हो जाएगी। अब कैसे होगी वृद्धि, तो ये थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। तो सपोज कीजिए कि पहले पेट्रोल को हम सपोज कीजिए कि हम चाय पत्ती एक्सपोर्ट करते थे, तो चाय पत्ती जो बागान से निकाल करके उत्पादन करके चाय पत्ती अमेरिका सपोज कीजिए भेजते थे दोस्तों, तो अमेरिका में हमें $1 में चाय पत्ती, हम $1 लेकर के चाय पत्ती 1 केजी भेजते थे, और जब 1 केजी हम यहाँ पे उसको एक्सचेंज रेट करके $1 को यहाँ पे करते तो हमें ₹60 मिलते थे। कितने मिलते थे दोस्तों, ₹60 मिलते थे 1 किलो चाय पत्ती जब अमेरिका भेजते थे, और $1 में सपोज कीजिए कि हम चाय पत्ती भेजते थे यहाँ का, तो हमें इंडिया वाले को कितना रुपए मिलते थे, $1 को यहाँ पे आकर RBI में जमा करता था तो उन्हें ₹60 मिलते थे। लेकिन जैसे ही मुद्रा का वैल्यू गिर गया, अब मुद्रा का वैल्यू गिरने से क्या हो गया कि सपोज कीजिए कि $1 की कीमत पहले ₹60 थी, अब $1 का कीमत हो गया सपोज कीजिए कि ₹70। मुद्रा का वैल्यू गिर गया, $1 की कीमत अगर ₹70 हो जाता है तो मुद्रा स्फीति में क्या हो जाएगा कि जब हम अब जो है जब मुद्रा स्फीति बढ़ गया तो अब उसी चाय पत्ती को हम बेचेंगे तो $1 आएगा तो हमें कितने रुपए मिलेंगे, ₹70 मिल जाएंगे दोस्तों। तो पहले जो ₹60 मिलते थे अब ₹70, यानी कि एक्सपोर्ट निर्यात करना क्या हो गया, फायदामंद हो गया हमारे लिए, हमें एक्सपोर्ट निर्यात करने में ज्यादा प्रॉफिट होने लग गया। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे देश के मुद्रा का मान गिरने से हमें अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब होगी, तो ये दोस्तों गलत है। एक्चुअली अर्थव्यवस्था में इसका फायदा ही होता है। कैसे फायदा होता है, तो जैसे एक्सपोर्ट करें हम चाय पत्ती का तो पहले हमें ₹60 मिलते थे, अब हमें ₹70 मिलने लगे, तो ₹70 मिलने से क्या हो गया, प्रॉफिट ₹10 ज्यादा हो गया। तो इससे क्या हो जाएगा कि और ज्यादा वो प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, जो बिजनेस या व्यापारी होगा उसको और चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाए और ज्यादा से ज्यादा उसको निर्यात करे, तो एक्सपोर्ट में वृद्धि होगी। एक्सपोर्ट पर जब वृद्धि होगी तो हम क्या करेंगे, उत्पादन में भी वृद्धि करेंगे। जब उत्पादन में वृद्धि करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके लिए लेबर को ज्यादा रखना पड़ेगा, तो रोजगार में वृद्धि हो जाएगी। रोजगार में वृद्धि होगी यानी कि कुल मिलाकर ये बात करें तो वस्तुओं और सेवा की उपलब्धता बढ़ जाएगी, और वस्तु और सेवा की उपलब्धता बढ़ने का मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि, यानी कि वस्तु और सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत सारे देश जानबूझ के अपने मुद्रा को वैल्यू को गिरा देते हैं ताकि इंपोर्ट उसको महंगा हो जाएगा और एक्सपोर्ट को वो बढ़ा सकता है, इंपोर्ट हतोत्साहित हो जाएगा और एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है, जिससे क्या होगा कि विदेशों से फॉरेन रिजर्व हमारे देश में बढ़ने लगेंगे दोस्तों। तो ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव मुद्रास्फीति के होते हैं दोस्तों। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप कहेंगे तो अच्छा है कि मुद्रास्फीति महंगाई जितना बढ़े उतना अच्छा है, नहीं दोस्तों, उसमें क्या होता है कि मुद्रास्फीति एक हद तक ही बढ़ने में अच्छा होता है, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा बढ़ने के बाद आदमी के पास इतना पैसा नहीं हो जाता है कि वो उसको परचेज कर दे, और घरेलू मार्केट में इसका क्राइसिस हो जाता है, और वही फिर लोग खरीदना पूरा सामान बंद कर देते हैं, और फिर हो सकता है कि वो महंगाई से मंदी की तरफ बढ़ जाए। अगर बहुत कम भी हो जाएगा तो हमारे देश के लिए नुकसान है, और बहुत ज्यादा भी हो गया तो हमारे जनता के लिए नुकसान है। तो महंगाई को न तो कम करने बहुत ज्यादा कम करना है, न बहुत ज्यादा ज्यादा बढ़ने देना है, उसको एक लक्ष्य में लक्षित रखना है, टारगेट में रखना है कि इससे न नीचे जाए न इससे ऊपर जाए। उसके लिए सरकार एक नियम बनाती है, एक योजना रहता है उनका, उसके हिसाब से RBI काम करते रहती है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखेंगे कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के उपाय, कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कैसे किया जाए। तो जैसे हमने देखा था कि मांग के कारण मुद्रास्फीति होती है, लागत के कारण मुद्रास्फीति होती है, तो इसी को हम रोक करके मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो पहला जो है मांग पक्ष उपाय, डिमांड साइड मेजर। इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह का उपाय किया जाता है। सरकार क्या करती है, उपभोक्ताओं से महंगे उत्पादों को कम करने की अपील करती है, कि सरकार अपील करती है कि महंगे उत्पाद आप ना खरीदें या ना उपयोग करें। लेकिन ये उपाय बेहतर नहीं हो पाता, क्योंकि लोग के पॉकेट में अगर पैसा है तो लोग सरकार की अपील को नहीं मानते हैं, और वो जो सामान उसको खरीदना है वो उसको खरीदेंगे ही, चाहे उसका दाम कितना है। तो इसीलिए फिर सरकार दूसरा स्टेप क्या लेती है, तो सरकार मुद्रा की प्रवाह को कम कर देती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की प्रवाह को कैसे कम करेगी, तो हम जो लोन लेते हैं बैंकों से उस लोन पे इंटरेस्ट
उसको बढ़ा दिया जाता है। तो लोग के जेब में पैसे कम होंगे और लोग के जेब में अगर पैसे कम होंगे तो फिर लोग सामान का मांग जो है, वस्तुओं का मांग और सेवाओं का मांग जो है वो कम करना शुरू कर देंगे और इससे मुद्रास्फीति पे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये उपाय भी बहुत ज्यादा कारगर नहीं होती है। किस केस में? अगर रोजमर्रा की वस्तु है जैसे कि चावल, गेहूं, दाल, खाने पीने की वस्तु है तो उसमें अगर गवर्नमेंट मुद्रा का प्रभाव कम भी कर दे तो भी सामान लोग खरीदेंगे। ये उपाय कारगर होती है लग्जरी आइटम पे, जैसे कि भवन खरीदना, बिल्डिंग खरीदना हो, लोग को घर खरीदना हो, होम लोन अगर बढ़ जाएगा तो होम लोन का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो लोग उस समय घर खरीदना बंद कर देंगे, या कार लोन का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो कार लेना कम कर देंगे। तो ये जो मुद्रा का प्रवाह कम करने का जो उपाय है वो रोजमर्रा की वस्तुओं में काम नहीं कर पाती है, ये लग्जरी वस्तुओं पे काम करती है। दूसरा जो उपाय है वो आपूर्ति पक्ष उपाय है, मतलब सप्लाई साइड मेजर है। तो इसमें क्या होता है कि चूंकि डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है तो जिस वस्तु के कारण डिमांड ज्यादा हो रही है उस वस्तु का ही उत्पादन गवर्नमेंट क्या करती है, बढ़ा देती है। अब बढ़ा देती है तो कैसे बढ़ाती है, तो महंगाई के जिम्मेदार उत्पादों का उत्पादन को बढ़ा देती है या फिर उसका आयात करके। अगर उत्पादन गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है उस चीज का तो विदेशों से उसका आयात करके उस महंगाई वाले वस्तु को आपूर्ति ज्यादा करने लग जाती है। जैसे मैंने आपको कोको कोला का एग्जांपल बताया दोस्तों कि अगर 100 बोतल कोको कोला का डिमांड है और 90 ही प्रोडक्शन हो रहा है तो वस्तु का दाम बढ़ जाएगा, लेकिन अगर उसका उत्पादन फिर 100 हो जाए या 110 हो जाए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा कोको कोला का उत्पादन, तो फिर उसका जो वैल्यू है वो अपने आप कम हो जाएगा। तो दो तरह से महंगाई के जिम्मेदार उत्पाद को सरकार क्या करती है, उत्पादन को बढ़ा करके या फिर उसका आयात करके मुद्रास्फीति पे कंट्रोल करे। लेकिन ये मध्यम या दीर्घ समय में ही कारगर है, इसके लिए कुछ टाइम लगता है अगर प्रोडक्शन बढ़ाना भी है या फिर आयात करना। जैसे आप कोरोना का टाइम में देखे थे दोस्तों कि मास्क और सैनिटाइजर शुरू में 100-100 रुपए के मास्क बिक रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब 2-3 महीने 4 महीने पे मास्क का प्रोडक्शन बढ़ा तो वही मास्क 10-10 रुपए और 15-15 20-20 रुपए में मास्क मिलने चालू हो गए। तो कैसे हुआ यह है, यहाँ पे जो मास्क जो महंगाई का जिम्मेदार था उसका गवर्नमेंट क्या किया, उसका उत्पादन को बढ़ा दिया। उसी तरह सैनिटाइजर में भी दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कि उस समय में सैनिटाइजर की बोतलें छोटी छोटी 100-100 रुपए में आया करती थी, लेकिन जैसे ही उसका उत्पादन बढ़ा तो सैनिटाइजर की वैल्यू 20-25 रुपए तक आ गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपूर्ति पक्ष उपाय से मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा लागत पक्ष उपाय, माने कॉस्ट साइड में जाए। अब जैसे हमने बताया कि अगर फैक्टर कॉस्ट बढ़ जाए दोस्तों तो मुद्रास्फीति माने मार्केट प्राइस में वस्तु का और सेवा का वैल्यू बढ़ जाती है। तो लागत पक्ष उपाय, अगर लागत को ही कम किसी तरह से हम कर दे तो क्या हो, तो मुद्रास्फीति पे कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें दो तरह के उपाय किए जाते हैं, लघु अवधि के लिए अप्रत्यक्ष करों में छूट, जैसे जीएसटी है तो उसमें छूट दे दे, जो महंगाई वस्तु महंगा हो रहा है वस्तु उस पे जो जीएसटी है लग रहा है उसको हम छूट दे दे, तो इससे क्या होगा कि इस उस वस्तु का जो कीमत है वो बढ़ जाएगा। और इसी दौरान जब छूट दिए उसी के दौरान हम क्या करें कि उत्पादन का बेहतर तकनीक से उस वस्तु के दाम में कम कर सकते हैं। तो लागत पक्ष उपाय भी, कॉस्ट साइड मेजर भी बहुत ही इफेक्टिव है मुद्रास्फीति के नियंत्रण में। तो हम यहां तक देख लिए दोस्तों कि मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति के क्या कारण है, मुद्रास्फीति के प्रकार कितने हैं, प्रकार पे कारण पे आधारित प्रकार क्या है और दर पे आधारित प्रकार क्या है, मुद्रास्फीति का हमारे जीवन पे या हमारे अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है और मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मुद्रास्फीति का गणना कैसे किया जाता है। तो इसके कैलकुलेशन के दो तरह होते हैं, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होते हैं और एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होते हैं। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होते हैं और दूसरा थोक मूल्य सूचकांक होते हैं। उस दोनों चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और किसी अच्छे किताब या टेक्स्ट बुक से इसको आप पढ़ लीजिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको आज कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इससे पहले आज की वीडियो पे आधारित आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है, मुद्रास्फीति से तात्पर्य है क्या, तात्पर्य है ए में बेरोजगारी, बी में महंगाई, सी मंदी, डी भुखमरी। आप इस क्वेश्चन का जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।